नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। पुलिस अधीक्षक जालान रवि कुमार द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल, भयमुक्त और निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु और सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अवैध शराब, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली उरई और OCG और सर्वेलेंस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चलिए जानते हैं इस बड़ी सफलता के बारे में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार से। और जालौन जनपद के सर्वेलांस और SOG की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ एक ट्रक, एक टाटा, एक ईऑन कार, जैसा कि आपने सुना, एक ट्रक और स्कॉर्पियो ईऑन गाड़ी बरामद की और 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई। आपको बताते चले, 28 बोरी में 762 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3 करोड़ है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों और प्रांतों में से की जा रही है। NTPC Act के तहत जेल भेजने का काम भी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।